ये कार्यक्रम की शुरुआत आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुख्य अतिथि, सम्मानित सभासद बंधुओं द्वारा इस समा को रोशन कर कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब बीए खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं अध्यक्ष महोदय जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय अध्यक्ष महोदय द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि जनाब मोहम्मद सिद्दीक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अच्छा, इसी क्रम में जनाब यूनुस अली साहब का आदरणीय अध्यक्ष महोदय माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि जनाब सरताज अली साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। और ये स्मृति चिन्ह विशिष्ट अतिथि को दिया जा रहा है। इसी क्रम में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मधुकर सहदाई जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें एवं स्मृति चिन्ह भेंट करें। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे विशिष्ट अतिथि सलीम बेग साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ये यूनुस कहां बोल रही आए हैं बैठे हैं यार कहां हैं अरे हम लाए हैं इसी क्रम में मिर्जा जी अरे आए यूनुस अली तुम यूनुस खान इसी क्रम में मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि वो विशिष्ट अतिथि यूनुस खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं सम्मानित सभासद श्री आनंद सोनी जी, श्री धर्मेंद्र त्रिवाजी जी, श्री शाहिद अंसारी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री बीए खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। आ जाएं सम्मानित सभासद श्री आनंद सोनी जी, आ जाएं मंच पर।
इसी क्रम में मैं सम्मानित सभासद श्री धर्मेंद्र वाल्मीकि जी, हरिओम वर्मा जी, आशीष अवस्थी जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि मोहम्मद सिद्दीक साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। जनाब यूनुस खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सम्मानित सभासद श्री सब्बन खान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीए खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं धर्मेंद्र जायसवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे विशिष्ट अतिथि मिर्जा साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे पालिका के वरिष्ठ सभासद नानक दादा से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे श्री मधुकर सहदाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं सम्मानित सभासद दानिश रायन साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि सरताज अली साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं हमारी पालिका के ऊर्जावान सभासद इजरान अहमद जी से अनुरोध करूंगा कि वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं सम्मानित सभासद रजन खान साहब से अनुरोध करूंगा कि वो आ जाएं और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीए खान साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। इसी क्रम में मैं सम्मानित सभासद कफील अहमद साहब से अनुरोध करूंगा कि वो कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे मधुकर सदाई साहब का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मैं आदरणीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करूंगा कि समाज के दो वरिष्ठ समाज सेवी हमीद भट्टा वाले और मौलाना जियाउल हक काश्मी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। एक बच्ची खो गई है जो हरी टी शर्ट जींस पहने हुई है, जिस किसी भी सज्जन की हो पुलिस सहायता केंद्र से प्राप्त कर ले। हाँ, उनको वहां रखो। बहुत बहुत धन्यवाद मोहित गिरी जी। प्रतिदिन नगर पालिका परिषद के द्वारा आयोजित मेले का संचालन करते हैं। प्रत्येक दिन सभाध्यक्ष, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि
जो मंच पर आते हैं उनका वंदन अभिनंदन करते हैं। आज छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ की पावन धरती पर लगे चैती मेले में कुल हिंद मुशायरे का आयोजन किया गया है। हमारे मंच पर पूरे देश से कोने कोने से आए हुए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के शायर और शायरा उपस्थित हैं। अभी भी कुछ लोग मेला भ्रमण में लगे हुए हैं, वो सोच रहे हैं कि मुशायरा प्रारंभ हो जाए तो पहुंचा जाए। इक्का दुक्का जो कुर्सियां अभी खाली हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी कुछ कुर्सियां खाली हैं तो आप अपना स्थान ग्रहण कर लें, अन्यथा फिर खड़े होकर के ही मुशायरा सुनने का अवसर प्राप्त होगा। क्योंकि गोला की ये परंपरा रही है, यहाँ कवि सम्मेलन और कुल हिंद मुशायरे में बैठने का स्थान नहीं मिल पाता है। अतः जो भी मुशायरे के शौकीन लोग अभी मेला भ्रमण में हैं, उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आ जाएं और अपना स्थान ग्रहण करें। समय बहुत अधिक हो गया है। हम लोगों की इच्छा थी कि कवि सम्मेलन मुशायरा समय पर प्रारंभ होगा और समय पर समापन उसका होगा, लेकिन अब लगभग 11 बजने को है, अभी हम लोग पूरी तरीके से प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। अतः समापन भी उसी हिसाब से तय होगा, आप लोगों की उपस्थिति के हिसाब से। तो मैं चाहूंगा कि मुशायरे का शुभारंभ कर दिया जाए और इसके लिए आप मुझे इजाजत दें, एक बार जोरदार तालियों के साथ मुझे बताएं कि क्या मुशायरा प्रारंभ किया जाए। अभी भाई पूरी तरीके से पीछे तक की तालियां हमें नहीं मिल रही हैं, इधर से भी। धन्यवाद बंधुओं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारे कुल हिंद मुशायरे में जो अजीम शख्सियत पधारी है, उसमें एक नहीं कई अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शायर और शायरा हैं। आप बखूबी उनको जानते हैं, लेकिन मेरा दायित्व बनता है मैं उनका परिचय आपसे कराऊं। अंतर्राष्ट्रीय मुशायरों का संचालन करने वाले, निजामत करने वाले जनाब नदीम फर्रुख साहब तशरीफ फरमा है। हालांकि मैं उर्दू का जानकार नहीं हूं, मैं अभी नदीम साहब से कह ही रहा था कि कहीं ऐसा ना हो ज्यादा अच्छी उर्दू बोलने के चक्कर में मैं कुछ गड़बड़ कर जाऊं, इसलिए हिंदी का ही सहारा मैं लूंगा। और गोला नगर के जितने भी हमारे श्रोतागण हैं, वे सब उर्दू और हिंदी अदब के जानकार हैं। नदीम साहब के सम्मान में एक बार तालियां आप लोगों की हो जाए, मैं परिचय करा रहा हूं। दूसरी तरफ हमारे विशेष अनुरोध पर, जिनका मैं स्वयं फैन हूं, आदरणीय शबीना अदीब जी का, वैसे तो वे कल हैदराबाद में, हैदराबाद ये आपके पड़ोस वाला नहीं, तेलंगाना वाला हैदराबाद, उसमें मुशायरे में शिरकत कर रही थी, लेकिन मेरा विशेष अनुरोध था कि इस बार आपको गोला आना ही है, तो वे सुबह ही फ्लाइट से सीधे कानपुर पहुंची और कानपुर से अपनी कार लेकर के गोला आ चुकी हैं। जोरदार सभी माताओं बहनों से निवेदन है, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरा आदरणीय शबीना अदीब जी का स्वागत, ऐसे नहीं जैसे होता है, गोला नगर के लोग जैसे स्वागत करना जानते हैं वैसा होना चाहिए। सबसे दूर से जो हमारे मध्य में अल्ताफ जिया साहब मुंबई से, मालेगांव मुंबई से, जिनको यहां पर आना है, वे लखीमपुर और गोला के बीच में हैं। अभी उन्होंने सूचना दी, तो जब वे आएंगे तब मैं उनका स्वागत करवाऊंगा।
आदरणीय श्री अजम शाकिरी साहब, इनके विषय में कौन नहीं जानता है। पिछले वर्ष भी आप लोगों ने इसी मंच से उनको सुना और उनको इतना सम्मान दिया। कई लोगों ने मुझसे कहा कि डॉक्टर साहब उनको, शाकिरी साहब को जरूर बुलाइएगा, तो विवश होकर के मैं नहीं चाहता था कि इस बार उनको बुलाऊं, तुरंत पिछले वर्ष बुलाया ही था, लेकिन ये आप लोगों का स्नेह उनके प्रति है कि आपने कहा और मैंने उनसे निवेदन किया और वे आज हमारे बीच में है, उनके लिए भी जोरदार स्वागत। हाशिम फिरोजाबादी ऐसा एक नाम, पिछले कई वर्ष पहले जब गोला की सरजमी पर उनको बुलाया गया मुशायरे में लोगों ने उनको सुना, लेकिन उनकी प्यास नहीं बुझी, तो दो दिन के बाद जब कवि सम्मेलन होना था तब भी फिर उनको आमंत्रित किया गया, तो कवि सम्मेलन और मुशायरा दोनों में उन्होंने काव्य पाठ किया। आज वे पुनः हमारे मंच पर हैं, एक जोरदार स्वागत के साथ आप उनका अभिनंदन करें। एक ऐसा युवा हस्ताक्षर जिसने मुशायरे के मंच अकेले ही लूट लिए, उसका नाम है मोहन मुंतजिर, जो नैनीताल की ठंडी वादियों से झोंका लेकर के आज गोला की धरती पर आया है। जब आप उनको सुनेंगे, यूट्यूब पर उनको फॉलो करते होंगे, तो उनके विषय में आप जानते हैं, तो मैं चाहूंगा एक बार तालियां बजा करके उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करें आप लोग। एक ऐसा नाम वास्तव में जिसको मैंने यूट्यूब पर सर्च किया और मुझे लगा कि छोटी काशी गोला में उनको जरूर सुना जाना चाहिए, उनके कलाम और उनका प्रस्तुतिकरण इतना अनोखा है, जब इस बार आप उन्हें सुनेंगे तो निश्चित रूप से अगले वर्ष आप हमसे आग्रह करेंगे कि उन्हें डॉक्टर साहब जरूर बुलाएं। ऐसी शायरा कवयित्री आदरणीय प्रतिभा यादव बलिया से हमारे मध्य में उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन। साथ ही साथ हमारे कई सभासद महोदय ने हमसे आग्रह किया दमदार बनारसी साहब का, काशी से छोटी काशी की यात्रा करने वाले भाई दमदार बनारसी, उनके नाम में दमदारी है, आप देखेंगे हास्य के हाहाकारी हस्ताक्षर हैं, जब वो मंच पर खड़े होते हैं तो लोग तालियां बजाने पर विवश हो जाते हैं, बंस मोर की आवाज देकर बार बार सुनने का आग्रह करते हैं, तो दमदार बनारसी जी का स्वागत करें आप लोग। एक ऐसा शायर, हास्य का शायर, जो अपने तखल्लुस में तो अनगढ़ लिखता है, लेकिन वो पूरी तरीके से गढ़ा हुआ है, संभल मुरादाबाद से जो हमारे बीच में आए हुए हैं, युवा शायर नौशाद अनगढ़ जी का आप स्वागत वंदन अभिनंदन करें। और एक नाम ऐसा, भाई तालियां नौशाद अनगढ़ के लिए आपने कम बजाई और सबसे ज्यादा आप उनको सुनना चाहेंगे, इसलिए आप ऐसा कुछ न करें कि ये जब कल वापस जाएं और कहें कि गोला के लोग तो कंजूस निकले, कंजूस ही नहीं आप दिखाएं। एक ऐसा नाम, एक और नवोदित कवित्री या शायरा कहें, अलीसा मेराज, जो सीतापुर से हमारे मध्य में पधारी हैं और चेयरमैन साहब का आदेश पाकर के मैंने उन्हें इस सूची में सम्मिलित किया है, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन आप लोग करेंगे। और सबसे अंत में मैं उस नींव के पत्थर का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं, जिसने गोला की धरती को स्वर्णाक्षरों में अंकित करवाने का कार्य किया है, हमारे बीच के हमारे अपने विश्व कीर्तिमान स्थापित करने वाले, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज कराने वाले, अपनी अधूरी गजल के उन्मान से आदरणीय श्री मधुकर सहदाई जी, जो कि आज इस कुल हिंद मुशायरे की सदारत करने का कार्य कर रहे हैं, मैं उनका स्वागत वंदन करता हूं। मधुकर सहदाई जी ने
मुशायरे के टेस्ट को पहचाना गोला नगर के। सालों साल उन्होंने चैती मेले के मुशायरे का संयोजन किया। अब आप जानते हैं वे उम्र दराज भी हो चुके हैं, वे चाहते हैं कि उनके पीछे इस मुशायरे कवि सम्मेलन को संयोजित करने की एक परंपरा बनी रहे। मैं तो उनके पीछे खड़ा होने वाला व्यक्तित्व हूं। जब वे स्वयं संयोजन करते थे या करते हैं तब भी मैं उनके आदेश का पालन करता हूं। आज उन्हीं की सदारत में इस मुशायरे का संयोजन करने का दायित्व जो उनके संरक्षकत्व में मुझे प्राप्त हुआ है उसके लिए भी उनका आभार प्रकट करता हूं। एक दर्जन से अधिक पुस्तकों, गजलों की पुस्तकों को देने वाले मधुकर साहदाई का एक बार पुनः स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं, जिन्हें अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज पुरस्कार से नवाजा है। ये भी हम लोगों की खुशनसीबी है। इस प्रकार से इस सूची का परिचय मैंने आपसे कराया। मैं अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, काजू तो हमको भी खाने हैं, हमारी पूरी टीम को खाने हैं, इसलिए आप जल्दबाजी बिल्कुल न करें, हमारे साथ ही आप भी काजू खाएंगे। आए और सभी का सम्मोहित जी माला लेकर के आए। बिना विलंब किए हुए मैं आदरणीय नदीम फर्रुख साहब जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। और एक विनम्र निवेदन मैं अपने सभी सभासद महोदय से करना चाहता हूं। मेरे पास इस समय कोई सूची सभासद महोदयों की नहीं है। मैं चाहता हूं जो भी लोग इच्छुक हैं, क्योंकि हमारे पास आठ नौ शायर यहां पर हैं, तो बिना किसी संकोच के आपका आयोजन है, आप आए और माल्यार्पण करें, किसी के नाम के बोलने की प्रतीक्षा न करें, मैं सभी से आग्रह करूंगा। इसके उपरांत आदरणीय सबीना अदीब जी, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त शायरा आदरणीय सबीना अदीब जी, उधर अध्यक्ष जी के साथ ही रहें आप लोग, सीधे सीधे माल्यार्पण की तरफ पहुंचे। सबीना अदीब जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। हाँ, ये मेरी बेटी यहां पर आई है स्वागत, वंदन, अभिनंदन करने के लिए। बेटा आप थोड़ा और रुको, यहीं पर समय दो, निर्देश और संभवतः चेयरमैन साहब की क्लासमेट भी रही होंगी। हाँ हाँ ठीक है। अजम शाकिरी साहब जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन होना चाहिए। दिल्ली से हमारे मध्य में पधारे हैं, आए नानकचंद जी, बढ़ें आगे। जनाब हाशिम फिरोजाबादी साहब जी का स्वागत, वंदन। राजेश जी आए, राजेश अवस्थी जी आगे बढ़कर के। रियाजुद्दीन जी आए, आप कैसे वहां बैठे हैं, आपके नेतृत्व में मुशायरा हो रहा, आ जाओ। हम सबका जिनका नाम जानते हैं उनको तो बुला लेंगे। सुफियान जी, हरिओम वर्मा जी, सभी लोगों से स्वागत है। आदरणीय मोहन मुंतजिर जी का स्वागत करें। इजरान अहमद जी और हमारे रज्जन भैया कहाँ है, रज्जन भैया, रज्जन भैया सभासद। आदरणीय सक्सेना जी, निर्देश जी, निर्देश से आपको निर्देशित मैं करूंगा। प्रतिभा यादव जी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। बेटा आगे जाओ आगे। युवा हस्ताक्षर कवि सम्मेलनी और मुशायरे की दुनिया की युवा हस्ताक्षर प्रतिभा यादव जी। दमदार बनारसी जी जो कि काशी से हमारे मध्य में आए हैं। लालू अवस्थी जी, सभी से जो भी सभासद हमारे यहां हैं उनसे मेरा विनम्र निवेदन है कि उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करें। मोहन भैया हो गया स्वागत। हाँ, नौशाद अनगर जी का, कुछ लाए हो,
ये ना चले दुकान से कुछ लाए होते हो। और इसी नौशाद जी का हो गया, नौशाद अनगर जी का स्वागत वंदन अभिनंदन करें। अलीसा मेराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन निर्देश जी करें। आ जाओ, अलीसा मेराज जी का स्वागत वंदन अभिनंदन। अच्छा, हमारे आसपास जितने भी लोग खड़े हैं वे सब शबीना अदीब जी का स्वागत करना चाहते हैं। बस थोड़ा रास्ता छोड़े, मैं भी देखूं उनका स्वागत अभिनंदन। हमेशा एक दूसरे के हक में अदा करेंगे, ये तय हुआ। हाँ, द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी, नगर पालिका परिषद के पूर्व उप चेयरमैन, निवर्तमान, हाँ निवर्तमान युवा सभासद और बहुत अच्छे श्रेष्ठ गीतकार भी हैं और सोने चांदी के व्यवसायी हैं। सबीना जी, ये सोने चांदी के व्यवसायी हैं, खाली बुके लेकर के संतुष्ट मत होइएगा। हाँ, तो इस तरीके से अभी मोहित गिरी जी ने हमसे कान में बताया कि सबीना जी को तो हमने कपिल शर्मा शो में भी देखा है। अरे बहुत से शो ये करती रही हैं, आज गोला के मुशायरे का शो करने के लिए आई हैं। इस प्रकार से सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन हमें। अच्छा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हाँ भैया, धन्यवाद। यही परंपरा साहित्य के। हाँ, दुआ करेंगे हमेशा एक दूसरे के हक में। हाँ, दुआ करेंगे, ये तय हुआ था। अच्छा, जो सुना संविधान दी हमारी फरमाइश है। अच्छा, ये ठीक है, ठीक है, ठीक। वो तो अभी जब काय पाठ का क्रम चलेगा तो आपकी फरमाइश जो होगी वो इन लोगों तक पहुंचाई जाएगी। हाँ ठीक है, तो इस प्रकार सभाध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण पुनः होना चाहिए। मैं एक बार अपने आप सभाध्यक्ष महोदय का माल्यार्पण। अच्छा, ये लीजिए, मोहन मुंतजिर की नज्म खत्म हुई और हमारे मुशायरे में एक इजाफा ये हो गया कि जनाब अल्ताफ जिया साहब तशरीफ ले आए, आपके मेहमान शायर आपकी डाइस पर आ गए, हमारे मुशायरे का पूरा कॉरम कंप्लीट हो गया। और मैं बड़े भाई डॉक्टर वेद प्रकाश अग्निहोत्री जी जो आज के प्रोग्राम के कन्वीनर हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अल्ताफ जिया साहब का इस्तकबाल करें। चेयरमैन साहब के द्वारा धन्यवाद ज्ञापन, और धन्यवाद ज्ञापन मैं करना चाहता हूं चेयरमैन साहब का। ये क्योंकि ये पहला वर्ष है इनके चैती मेले का और इतना समय पूरे मेले में आज ये पहली बार दे रहे हैं। ये हमें घूर रहे थे और हम आंखें नहीं मिला रहे थे। ये समझी ने हमसे पूछा था कि दादा मुशायरे में कितना समय लगता है, तो हमने कहा बस 2-2.5 बजे तक हो जाएगा। आज पहली बार जब ये घर जाएंगे तो बहू पूछेगी चेयरमैनी इतनी कठिन होती है तो क्यों ली तुमने अपनी जिम्मेदारी में। अभी मैंने चेयरमैनी की शपथ दिलाते वक्त किसी ने ये नहीं बताया कि रात रात भर मुशायरे भी सुनने पड़ेंगे। तो ऐसा कब सम्मेलन और मुशायरा ऐसा ही होता है, पूरी पूरी रात। अभी तो शमा जो है हमारी पूरी जली नहीं है, तो इसलिए अभी कब सम्मेलन 2 घंटे और चल सकता है ऐसा लग रहा है। तो भाई ये मुशायरा आप लोगों ने सुना, जो भी इसमें अच्छा लगा हो वो चेयरमैन साहब और नगर पालिका के खाते में डाल देना, और जो कोई कमी रही हो तो वह हमारे खाते में डाल देना। सही बात, ताकि नगर पालिका और चेयरमैन साहब को अच्छा ही अच्छा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। आए चेयरमैन साहब, आए आए हुए सभी शायरों का,
आयोजक मंडल, संयोजक मंडल, समस्त सभासद, समर्थ नगरवासी जो इतनी देर रात तक, अब देर रात क्या, सुबह मानिए तीन बजे गया है, और विशेषकर हमारे अतिथिगण खान साहब, यूनुस भाई, दोनों यूनुस और सरताज भाई और समस्त सभासदगण, इतने समय तक समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ऐसे हम सब गोला में कल संजोली पांडे का कार्यक्रम है, भोजपुरी संगीत, 29 को कवि सम्मेलन है, 30 को समापन है, इसलिए इन तिथियों में भी अपना बहुमूल्य समय दें।